Hello students, how are you all? I hope you all are staying fit and fine at your places. Myself, Uma Naruka from Shivjyoti Educational Group, Kota. This is your sketchbook. Today we are going to make a thumb painting. So let's start making it. Students, draw the margins horizontally and put the topic thumb painting. Now we will draw peacock from here. और यहां से इसकी बीक ड्रॉ कर देंगे. और यहां पे पैर लाइक दिस. नाउ वी विल टेक ग्रीन कलर और इसे थंब पे लगाएंगे ब्रश से. और थंब इम्प्रेशन से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे. और अगर कलर इसमें ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा कलर लगा लेना है अपने थंब पर और इस तरीके से इम्प्रेशन के साथ में इसके फेदर्स बनाने हैं. डांसिंग पिकॉक होता है ना, बस आपको इसी तरीके से इसको बनाना है. एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आपको दोबारा ग्रीन कलर से ये देखिए बच्चों, जहाँ पे भी अगर कलर का इम्प्रेशन ठीक से नहीं आता है तो आपको दोबारा ब्रश से अपने थंब पे कलर लगा लेना है और इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से. आफ्टर ग्रीन कलर आई एम टेकिंग येलो कलर और इसी पे कलर अप्लाई करना है येलो भी. जहाँ से स्टार्ट किया था दोबारा उसी पे लेना है. नाउ स्टूडेंट्स, ब्लू कलर, ये देखिए ब्लू कलर आपको इस तरीके से लेना है. सबसे पहले हमने ग्रीन, फिर येलो, फिर अब ब्लू कलर लिया है. बच्चों देखिए, ब्लू कलर की टिप्स हमने जो इस पे लगाई है, थोड़ा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करके लगाया है मैंने, तो आपको भी इसी तरीके से इस पे ब्लू कलर लगाना है. अब ब्लू कलर यहाँ पे मैं फिल करना शुरू करूँगी. देखिए बच्चों, पूरे में ब्लू कलर फिल कर दिया है. अब रेड कलर यूज़ करने वाली हूँ और उसके टिप्स इन फेदर्स पे लगाएंगे हम. बच्चों देखिए, रेड कलर से ऐसे टिप्स लगाना है आपको. नाउ इट इज़ डन, थंब पेंटिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. कीप वॉचिंग. थैंक यू.